अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सावरे सावरे बार बार तुम मुझसे टकराती क्यों? सॉरी सॉरी, वो हम बस ये पूछने के लिए रुके थे कि आप कुछ लेंगे। तुम्हारी राय? मतलब ये है कि मुझे पंकजा के लिए जो है वो एंगेजमेंट रिंग सिलेक्ट करनी है, तो तुम मुझे बताओगी कि उसके लिए कौन सी रिंग अच्छी रहेगी? प्लीज 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 बैठो बैठो बैठो। एक मिनट, इनमें से जो भी पसंद वो सिलेक्ट कर लो। कितनी सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। हाई मीना, ये वाली रिंग फाइनल कर लेते हैं, है ना गुड्डू? हाँ, 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 हाँ। फाइनल करते हैं। शादी हमसे कर रहे हैं या सुनैना से? हमारी एंगेजमेंट रिंग हमें बिना दिखाए ही पसंद कर ली। हाँ नमन जी, जब से बाहर आई हो बाहर ही नजर आती हो। शिव्या, इनको अंदर ले जाओ। नमन हमसे मिलने आए। शिव्या, हमने कुछ गलत किया क्या? तुमने कहा था ना उनसे चाय नाश्ता पूछने के लिए, फिर पंकजा ने हमसे ऐसे बात क्यों की? चल यार सुनैना दी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पंकजा दी है ना, वो बाय डिफॉल्ट ही गुस्से में रहती है। आप ना किसी भी बात का लोड मत लेना। सुनिए ना, नमन सिंह आए थे, हमारी पंकजा से इसका सगाई का अंगूठी पसंद करा के गए हैं। क्या हुआ पंकजा, मुंह फुलाए काहे बैठी हो? हैं, अंगूठी पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, बात कर लेना नमन जी से, बदलवा देंगे। नमन जी नहीं, अंगूठी। कुमोद। अरे वो तहखाना खुल गया है, अब भी साथ में बैठ के नहीं खाइएगा? बुला लीजिए उका,
यहाँ परिवार के साथ बैठेगी, घुलेगी, मिलेगी, कोनो बुराई नहीं है उमा। सुने ना, अच्छा पापा बुला रहे हैं। बैठ पापा के पास बैठ। अब सिर्फ हम सबके साथ बैठकर ही खाना खाना। वो खाना खा बिटिया। थैंक यू पापा। उलझन को संभलने का अभी भी रास्ता है। जैसे ही माहौल ठंडा हो जाए ना, तब मनोज का काम तब हम कर देंगे। कह रहे थे राजकुमारी जी का फोन आया था, 3 दिन बाद सगाई का तारीख निकला है, तैयारी शुरू कर दीजिए आप सब लोग। और हाँ, ये घर का लेडीज के लिए खास बात, मेहमान लोगों का आवन जावन लगा रहेगा, उनके लिए रसोई में अपना जान देने का कोनो जरूरत नहीं है। कोनो व्यवस्था के लिए रख लिए हमने, वो सब संभाल लेगी। भाई साहब कितना फिक्र करते हैं घर के लेडीज का। परवेश भवरी को बुला के ला, भवरी को बुला के ला, भवरी को बुला के बाबू साहब। खाना बनाना ना हौरी का लाखों कलाओं में से एक है। ऐसा 56 भोग खाना बनाते हैं ना कि लोग 56 बार अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं।
हमारी पत्नी बहुत सख्त और सतर्क है। क्या सोची है, क्या कीजिएगा? एक काम करते हैं, कल सबसे पहले आपकी पत्नी को ही सुला देते हैं। माफी बाबू साहेब, वो नींद का दवाई खानों में मिलाकर, और जब तक उनकी नींद टूटेगी ना, हम उनके सपनों से भी दूर चले जाएंगे। सोची रही है लगाना तो भौरी की लाखों कलाओं में से एक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसी सुंदरता देखकर भौरी का भी नजर ढूल गए। बहुत प्यारी है आपकी बच्ची, और ऐसे प्यारे चेहरे को बलाएं भी ढूंढ लेती हैं, इसीलिए नजर का टीका कर दे रहे हैं। माफी मोरी चिरैया। अरे हम भौरी हैं, कोई काली बिल्ली नहीं है कि तुम्हारा रास्ता काट के तुम्हारा काम बुरा कर देंगे। लड़की नहीं है, अरे खरगोश का बच्चा है, एक झटके में ना दबोच लेंगे। आप समझो ना, क्या आपका काम हो गया। का उसने ना अचानक का हो गया, इतनी घबराई हुई का है? का हुआ का? हाँ, वो औरत कौन? वो बावरी? हाँ माँ, पता नहीं क्यों पर वो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। काहे? कुछ कहा उसने तुमसे? नहीं माँ, कुछ कहा नहीं है, पर जिस तरीके से उसने हमें हाथ लगाया, वो ऐसे हमें देख रही थी ना, पता नहीं क्यों पर कुछ अजीब लगा। वो औरत हमें अच्छी नहीं लग रही है। तुम वही करो जो तुमका ठीक लगता है। दूर रहो उससे। उससे क्या, हम तो कहते हैं इस घर में सभी से दूर रहो। शिविया के अलावा कोनो लोगों से घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, सभी से दूर रहो तुम। मां, तो बस कह रहे थे हमें वो औरत अच्छी नहीं लगी। घर वाले तो हमारे अपने हैं ना, हम सब साथ हैं, तभी तो उस काले शैतान के भी आने का डर नहीं है ना माँ। हमारे तुम्हारे बीच का अब सब वादा खत्म, और एक कलंक के खत्म होने का भी वक्त आ गया।
माँ, 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 क्या हो गया? माँ सुने ना, का है आपको समझे नहीं? तो समझो, पूछो और हमको बताओ ई का है। चाकू है। चाकू का करता है? फल फ्रूट सब्जी तरकारी ये सब काटता है ना? बेटिया, जरूरत पड़ने पर ये चाकू लोगों का गर्दन भी काटता है। पूछे तुमको ऐसा बनना है कहेगी, तुमको अपने आप को गलत लोगों से हमेशा बचाना है। रुका, पहले तू गलत लोगों को पहचानना सीखना पड़ेगा। और वो हम तुमको सिखाएंगे। काहे की बिटिया, ये जो दुनिया है ना, ये भोले लोगों के लिए नहीं है, नहीं है। इसीलिए तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। हाँ बुझी? हाँ कौन है ये बौरी? अरे आराम से, एक्सीडेंट करवाइएगा। एक्सीडेंट कराना ना, और एक लाखों कलाओं में से एक तो नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगा ना तो जरूर करेंगे। अरे माफी मालकिन मैया, आपको कहना चोट तो नहीं लगी? तुम्हें कैसे पता हम यहाँ हैं? आँख कान कुत्ता जैसा है हमारा, दूर की आहट सुनकर नहीं तो सुगंध सुनकर समझ जाते हैं कि कौन आया है। मालकिन मैया, आप चुप कर देख रही थी ना कि हम काम कर रहे हैं, कि काम करने का ढोंग। गौरा, पार्वती की कसम, गौरी अपना काम में कभी कभी गद्दारी नहीं की है।
रही हो क्या? फेंको इसे, फेंको। इसका पहले पटना के एक होटल में नौकर आदमी थे, पर वहां हर मर्द की गंदी नजर हमारी बेटी पर थी, इसलिए डंका की चोट पर ना काम को लात मार कर आए हैं। और यहां बाबू साहब की छत्र छाया में हमारी बेटी सुरक्षित है, और हम काम चोरी करेंगे? ऐसी बेईमान नहीं हूं मैं मालकिन मैया। बहुत ज्यादा ही ड्रामा रचाने वाली लगती है ये औरत। ठीक ही कह रही थी सुनैना, अजीब तो है ये औरत। अपने काम पर ध्यान दो, कांड पर नहीं, वरना बहुत जल्द यहां से खदेड़ दी जाओगी, समझी? जी मालकिन मैया। जाओ मरम पट्टी करवा लो इसकी। बहुत प्यारी है आपकी बच्ची, और ऐसे प्यारे चेहरे को बलाएं भी ढूंढ लेती हैं। हमारा ये घाव तो बस एक खरोच है मालकिन मैया। हम तुम्हारी सुनैना को चुराकर तुम्हें जो घाव देने आए हैं, उसका मरहम पट्टी तो किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा।